अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम आमिना अली एंड अगेन वी आर हेयर विद अवर लेक्चर ऑन रेगुलर एक्सप्रेशंस। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हेयर माई लेक्चर्स एंड यू गिव मी फीडबैक, बट दिस हैप्पी फीलिंग इज़ ओनली फॉर द 20 to 25 स्टूडेंट्स जो मेरी मेरे लेक्चर्स पे रेगुलरली कमेंट्स करते हैं। आई एम नॉट हैविंग अ यूट्यूब चैनल फॉर प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपने कमेंट्स करने हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरा और आपका इंटरेक्शन होगा। मैं आपको कहती हूँ कि आप कमेंट्स करें सो आई गेट टू नो अबाउट यू। जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं रेगुलरली, तो उनके मुझे नाम याद होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे बहुत सी और ज़्यादातर उसमें लड़कियाँ ही हैं आई वुड से। जैसे मैं उनके नेम्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन करूँगी, और बॉयज़ भी हैं कुछ, क्योंकि बॉयज़ सिर्फ कुछ हैं तो मैं उनके नाम मेंशन कर सकती हूँ। जैसे कोई अमार है जो कमेंट करता है, एक मोइज़ अली कमेंट करता है, एक शायद कोई हुरैरा है। आई जस्ट रिमेंबर दीज 3 to 4 बॉयज़। एक और भी कोई बॉय है लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बाकी लड़कियाँ ही सारे कमेंट्स करती हैं। तो इससे ये लगता है कि जैसे कि मैं तो सिर्फ लड़कियों को पढ़ाती हूँ, लड़कों को तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि वो तो ना तो सुनते हैं और ना फिर मेरे से ना तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं आप लोग, और ना ही मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सो दैट इज़ बैड ऑफ अफेयर्स। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपका इंटरेक्शन हो जाता है मेरे साथ और मुझे कुछ ज़रा पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा जी ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि आपके पेपर में कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर की भी डिस्कशन मैंने आप लोगों से करनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर जो है उसमें आप कहानियाँ लिखते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर, मतलब मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि ये किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें आप थ्योरेटिकल चीज़ें लिख सकते हैं, जिसमें कोई मॉडल्स हैं या कोई डेफिनेशन हैं या कुछ ऐसा। इस सब्जेक्ट में आपके पास मेनली सॉल्व करने वाली चीज़ें होंगी। तो जब आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपका ज़्यादा पेपर कंप्राइज करेंगी, तो फिर कोई भी शॉर्टकट आपको हेल्पफुल नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी नुकसान में चली जाएंगी। अभी खैर फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कुछ इशू आ रहा था कि जी पेज नंबर 47 पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी, वो ये है कि मैं आपको इस तरह की, इन्होंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स दिए हुए जो कुछ एम्बिगुअस हो जाते हैं, एम्बिगुअस इन अ सेंस कि जाहिर है आप उसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और वो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम टू अब्सॉर्ब दीज कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको खुद, मैं आप लोगों को ना जो पेजेस स्किप करवाने होंगे मैं आपको ये बता दूंगी एग्जैक्टली। एक अभी तक मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स करवाई हैं उसी तरह की चीज़ें आएंगी। ये जो भी चीज़ है पेज नंबर 47 पे, ये बड़ी जनरलाइज्ड सी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज्ड चीज़ है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को वास्ट कर रहे हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट्स साइमल्टेनियसली समझ रहे हैं। तो फिर आप अपने माइंड को उसके साथ ना करें, परेशान ना करें, और जितना सा मैं आपको बस बता रही हूँ आप उतनी सी चीज़ों को देखें। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ, वो ये कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताया गया है वो हम देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दीज लैंग्वेज डिफाइनिंग एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक अलजेब्रिक सिंबल्स। वी हैव शोन दैट, ये एक नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं। ये बराबर इस तरह है कि आप कोई एक वर्ड पिक करें और उसको बनाएं, अगर वो इन दोनों से बन जाए तो इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज इक्विवेलेंट है। लेकिन फिर भी ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक वर्ड तो बन जाता है लेकिन कुछ वर्ड्स में आके कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको लैंग्वेज को देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से वर्ड्स नहीं बन सकते। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाले वर्ड्स नहीं बन सकते, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स तो नहीं लिख सकते। देखिए अगर सिर्फ लिखा हो ए प्लस बी और ऊपर उसके स्टारिक लगा हो, तो उससे जितने ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे वो सारे तो खैर अब आप बनाने से रहे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मेरे पास ए प्लस बी है,
और उससे मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो इससे जितने वर्ड्स बनेंगे वो इनफाइनाइट होंगे और उन इनफाइनाइट वर्ड्स को तो मैं नहीं लिख सकती, राइट? लेकिन मैं कोई ऐसा वर्ड तो लिख सकती हूँ जिससे मुझे ये पता चल जाए जो इस लैंग्वेज में नहीं है। जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि इस लैंग्वेज में CCA वर्ड जो है वो नहीं है, लाइक मैं ये तो डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ कि कौन से वर्ड्स नहीं आएंगे। तो ये वाले भी एक अच्छा तरीका होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने किसी लैंग्वेज को किस तरीके से आपने दो लैंग्वेजेस के दरमियान फ़र्क किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो एक मेन बात लिखी हुई है वो कुछ इस तरह है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आप इसको देखें, इस पूरे सेंटेंस को देखें या इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन और ये वाला पहला वाला एक्सप्रेशन सेम है। ए और बी होल स्टारिक देन ए, ए प्लस बी होल स्टारिक देन ए, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, या जो भी हम इसे कहते हैं, ए और बी, ए और बी कहते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये और ये वाली टर्म, ये एग्जैक्टली सेम है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों साइड्स पे चेंज है। वो कह रहे हैं कि लेट से अगर हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह ट्रीट करें, तो इसका मतलब है कि मैं इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल कर सकती हूँ ना। इसका मतलब ऐसे ही है जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ए प्लस सी, सॉरी यहाँ पे सही लिखा नहीं जाता, मैं आपको बताती हूँ पीडीएफ ड्रॉअर में, कि लेट से अगर यहाँ लिखा होता ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, तो हम कहते हैं जी दोनों साइड्स पे ए है तो हम कट कर देते हैं, अब सी और डी जो हैं वो बराबर बच जाएंगे। ये रूल्स तो आपको अलजेब्रा के पता है ना, दे आर वेरी बेसिक रूल्स। अब वो कह रहे हैं कि हम अगर एक टर्म कैंसिल कर सकते हैं तो हम एक पूरी पूरी बल्क ऑफ टर्म भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा होता, ज़्यादा टर्म लिखी होती, जैसे लिखा होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा होता, और यहाँ उसके इक्वल में लिखा होता ए प्लस बी प्लस सी और प्लस एफ लिखा होता, तब भी मैं ये तीनों टर्म्स और ये तीनों टर्म्स क्योंकि एग्जैक्टली सेम है तो ये कैंसिल आउट हो सकती है ना। या अगर आप आसान वर्ड में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि इनको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, यानी इन सब टर्म्स को उठाऊं और इधर शिफ्ट कर दूं, तो सारी नेगेटिव हो जाएंगी तो खुद बहुत कैंसिल हो जाएंगी, तो ये काम हो सकता है। कह रहे हैं ये काम आप अलजेब्रा में तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप ऑटोमेटा में नहीं कर सकते, आप उसे एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रीट नहीं करते। लेट से कि आपने कर दी, ठीक है, लेट से आपने कर दिया, आपने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, तो आपके पास जी ये टर्म बच गई कि ये वाली टर्म बराबर है इस टर्म के। वो कह रहे हैं कि ये इंटायरली फॉल्स है, क्योंकि अब अगर आप इसके वर्ड्स बनाएं तो हो सकता है कि कोई एक वर्ड या दो वर्ड्स ऐसे बन जाएं जो इसमें से ना बने लेकिन इसमें से बन जाएं, तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इस जगह पे आपका मकसद ये नहीं है कि आप इन चीज़ों के या इस, यानी कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है इसको आपने जनाब सोचना है और इसे करना है और इसके वर्ड्स बनाने हैं। मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आपने मेन मेन कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, जैसे इधर एक मेन कॉन्सेप्ट था कि हम उसे अलजेब्रिक सिंबल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो मेन मेन बातें थी वो आपने सिर्फ अपने माइंड में रखनी है, इसके अलावा और कोई ऐसी ये नहीं कि आपने ये देखना है कि ये किस तरह चल रही है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है जी। तो अभी इतने बड़े रेगुलर एक्सप्रेशंस के वर्ड्स मुझे पता है कि अभी आप नहीं बना सकते, यू नीड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस फॉर दैट, जो कि आप लोग नहीं कर रहे। तो बेहतर यही है कि अभी अगर आपने लेक्चर स्टार्ट है इसको पॉज करें और जाके अपने पास लाजमी तौर पर रजिस्टर और पेन रखा करें। हाँ, अब ये एक चीज़ है यहाँ पे है कि ऑल टेम्पटेशन टू ट्रीट दिस लैंग्वेज डिफाइनिंग एक्सप्रेशंस इफ दे वर अलजेब्रिक पॉलीनोमियल शुड बी डिस्पेल्ड बाय दीज इक्विवेलेंसेस। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग ये डिस्पेल हो जाते हैं सारे के सारे अलजेब्रिक के रूल जब हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें इक्विवेलेंस हैं एक दूसरे की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है ए और बी होल स्टैरिक इज इक्वल्स टू ए और बी होल स्टैरिक और ए और बी होल स्टैरिक। अब आप जरा अपने दिमाग लड़ाएं और आप ये सोचें कि ये बराबर हैं या नहीं है।
ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये एक जैसी लैंग्वेजेस को डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अब इस काम के लिए सबसे आसान तरीका जो है, जो कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका है, तो आई वुड से कि ये सबसे आसान तरीका है कि आप वर्ड्स बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम देखें। देखिए, पहली बात यह है कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा टाइम आपने किया हुआ है, तो फिर तो ये हो सकता है ना कि आपको चीज़ को देख के ही पता चल जाए। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स कर लेते हैं, तो फिर आपको जो आपकी जूनियर क्लासेस होती हैं उनके मैथ्स के क्वेश्चंस देख के ही पता चल जाता है कि ये तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं और ये हम इस तरह कर लेंगे और हम उस तरह कर लेंगे, एंड यू डू नॉट नीड टू सॉल्व देम इवन। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ही आपको आइडिया हो जाए बहुत सारी चीज़ों का। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी है और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि इससे, लेट से कि मैं कोई वर्ड बनाती हूँ, लेट से कि मैंने एक वर्ड बना लिया, मैंने ये सोचा कि ए प्लस बी के ऊपर लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था। लेट से अगर ए प्लस बी के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इससे मेरे पास तो बहुत से वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन मैं वो बहुत से वर्ड्स नहीं बनाती। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि लेट से कि मैंने एक वर्ड बनाया है, तो इसको मैंने 3 दफ़ा रन करना है। लेट से कि कोई मशीन है और उस पर यह रन कर रहा है, पहली दफ़ा ए और बी रन होगा तो ए और बी में से लेट से मैंने ए पिक कर लिया, दूसरी दफ़ा रन हुआ है तो मैंने फिर ए पिक किया, और तीसरी दफ़ा रन हुआ है तो मैंने बी पिक कर लिया। अब लेट से कि मैंने अपनी लैंग्वेज से ये एक ही वर्ड बना लिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, देखना हमने ये है कि क्या यही चीज़ मैं राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकती हूँ या नहीं। अब आपने ये नहीं देखना कि आपके राइट हैंड साइड से क्या क्या बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता होगा। यू आर नॉट सपोज टू चेक दिस ऑल, बट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आप ये देखें कि जो बन रहा है वो क्या है। अब आपके पास राइट हैंड साइड है ए और बी होल स्टारिक प्लस ए और बी होल स्टारिक, और ये भी और ही है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। मेरे मुंह से प्लस निकल जाता बार बार क्योंकि मैं सिर्फ उसे देख के बोलती हूँ, तो वो आई नो कि आपके मुंह से भी निकल सकता है, लेकिन ये है और ही है। अब मैं बोलूँ ए और बी होल स्टारिक और ए और बी होल स्टारिक, सो इट जस्ट कन्फ्यूज यू अ लिटल, तो मेरे मुँह से प्लस निकल जाता है। लेकिन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट वेन एवर देर आर टू सिम्बल्स और उनके दरमियान में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वहाँ पर और हो रहा है। अब हमारा कंसर्न यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे कौन कौन से वर्ड्स पॉसिबल हैं। हमारा कंसर्न ये है कि इफ़ आई कम अप विद एनी वर्ड, इफ़ आई कम अप विद एनी वर्ड, तो क्या वो इससे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे बना है। सो लेट्स से कि अगर वहाँ बना है ए ए बी, तो क्या ए ए बी इससे बन सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसी की रेज टू पावर 3 ले लूँ और इसकी रेज टू पावर जो है वो कुछ भी ना लूँ, या इसकी रेज टू पावर भी 3 ले लूँ और जब मेरा रन करे तो वो इसको स्किप कर दे और इसको पिक करे और फिर इसमें से 3 टाइम्स ए ए और बी ही सेलेक्ट करे, या फिर इसको स्किप कर दे। यानी कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हो सकता है वो इसे स्किप कर दे, हो सकता है आपकी मशीन इसे स्किप कर दे, दोनों में से किसी एक को स्किप करके किसी एक को चला के, तो दे विल गेट द आंसर। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। इसका मतलब ए ए बी आपकी इस लैंग्वेज से बन सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे और है तो वो दोनों को तो कभी भी नहीं चला रहा, वो इनमें से एक को ही चला रहा है और फिर उस एक की जो पार है उसकी बेसिस पे वो ए और बी को ले रहा है। अब आप दोनों में से अगर किसी एक को भी पिक करते हैं और उसके बाद उसकी 3 टाइम्स वाली पार को चलाते हैं, लेट से कि मैंने पहले वाला पिक कर लिया, अब क्या पता कि मैंने कौन सा पिक किया, लेकिन लेट से कि अगर मैंने पहले वाला भी पिक कर लिया है, तो मैंने ये पिक कर लिया ए प्लस बी रेज टू पार 3, और अब इससे कितने वर्ड्स बनेंगे मेरे, 8 वर्ड्स बनेंगे। तो उन 8 वर्ड्स में ए ए बी होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो जब होगा तो इसका मतलब है कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड मेरी राइट हैंड साइड के बराबर
आ सकती है, दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल, विच मीन्स कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट्स हैं, ये चीज़ें मेरे पास ठीक हैं, ये एक्सप्रेशन मेरा, दोनों एक्सप्रेशन मेरी एक ही लैंग्वेज बनाएंगे। अब इसे ज़रा और जनरलाइज्ड वे में देखें, ए प्लस बी होल स्टैरिक में ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स आ सकते हैं, ये इंतहाई वाइडेंड लैंग्वेज है। कि अब अगर अभी आप इसे स्टार्ट करें लिखना तो इतने वर्ड्स बन सकते हैं, इतने वर्ड्स बन सकते हैं कि लाइक यू विल बी टायर्ड ऑफ मेकिंग दोज वर्ड्स। और वो सारे वर्ड्स जो आप इससे बनाएंगे, वो सारे वर्ड्स इससे भी बन जाएंगे, एग्जैक्टली सही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्विवेलेंस हैं, हमारे पास ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंस हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि एक और लिखा हुआ इन्होंने कि ए प्लस ए और बी स्टारिक और ए और बी स्टारिक, यानी कि ये और ये दोनों, इधर तो और है इधर और नहीं है, इसका मतलब आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। तो तब बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई, तब भी बनेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि इसकी पार मैं 0 ले लूँ और इसकी पार मैं 3 ले लूँ, जब इसकी पार 0 लूँगी तो ये तो वैसे ही चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, और इसकी पार मैं 3 लूँगी तो ये क्योंकि चलेगा और इससे वही वर्ड्स बन जाएंगे। मैं 3 को माइंड में रख रही हूँ इसलिए, तो जो मैं रेज़ टू पार 3 से इसके बनाऊँगी तो वो जो सेम चीज़ें बन जाएंगी। तो ये हमारे पास जो इसका बनेगा वो मैं इसको लेके बना सकती हूँ या मैं इसको लेके बना सकती हूँ, दोनों चीज़ें मैं बना सकती हूँ। अगली उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास यही ए प्लस बी जो है वो इसके भी बराबर है, मतलब तो वो कह रहे हैं जी इसके भी ये बराबर है। अब इसके बराबर कैसे हम देख लेते हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे देख के भी पता चल रहा है, ए प्लस बी ए और बी होल स्टारिक से तमाम वर्ड्स बन सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर पॉसिबल, ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स, देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी जब शायद कोई वर्ड पॉसिबल ना हो, लेकिन बहरहाल ये कितनी जनरलाइज टर्म है कि इसमें सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं। तो अब अगर मैं ये कहूँ तो इस वाले केस में जिसे मैंने हाईलाइट किया, मैं इस वाली साइड से एक टर्म बनाऊँगी, ठीक है, और फिर देखूँगी कि वो इस वाले से बनती है कि नहीं बनती। तो लेट्स डू दैट, हम देखते हैं। हमारे पास है जी, मैं लिख लेती हूँ टर्म पर, हमारे पास है ये एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वाला। अब हम देखते हैं कि इससे हमारे जहन में पहला वर्ड अगर कोई आता है तो हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हम ये समझते हैं कि ए तो कंपलसरी है और इस ए प्लस बी के ऊपर लिखा हुआ है वन, और फिर बी कंपलसरी है और ए प्लस बी के ऊपर लिखा हुआ है वन या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। अब अगर ऐसे ये टर्म लिखी हो तो इससे मेरे पास कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, पहली बात तो ये है, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि मेरी जब मेरी लेट्स से मैं आई जस्ट टॉक अबाउट अ मशीन और समथिंग लाइक दैट, मैंने सिर्फ इसे पिक किया और इन बाकी दोनों को छोड़ दिया और है ना, तो मेरे पास वर्ड बन जाएगा, इसको पिक करने से मेरे पास वर्ड बनेगा, आ जाएगा मेरे पास जी ए तो कंपलसरी है और इस ए और बी जब चला है तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैं ए पिक कर लूँ तो ए वो ए वर्ड बन जाएगा, और अगर मैं ए ना पिक करूँ तो ये ए बी वर्ड भी बन सकता है। इसका मतलब मेरे पास ये दोनों वर्ड्स पॉसिबल हैं, यानी कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है, ये दो वर्ड्स हैं जो मेरे पास पॉसिबल हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने ये ना पिक किया हो और मैंने दूसरी वाली टर्म पिक की हो, मैंने इसको पिक किया हो, अगर मैंने इसको पिक किया है तो मेरे पास क्या वर्ड्स बनेंगे, मेरे पास अब भी दो वर्ड्स बन सकते हैं क्या, बी तो कंपल्सरी है, हो सकता है इस ए बी में से मैं ए पिक कर लूँ या फिर हो सकता है मैं इस ए बी में से बी पिक कर लूँ, तो ये दो वर्ड्स बन जाएंगे, इज दैट क्लियर। और फिर मेरे पास आखिरी टर्म है ये वाली, तो अगर मैं इसे पिक करूँ तो मैं क्या लूँगी जी, सिर्फ मैं एम्प्टी सेट लूँगी। अब मेरे पास टोटल कितनी ऑप्शंस हैं वर्ड्स की, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि सबसे सिंपलेस्ट पार को स्टार की जगह रिप्लेस करके दैट वाज वन, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मेरे पास इन 5 वर्ड्स की पॉसिबिलिटी है। अगर आपके माइंड में कोई और वर्ड है तो यू कैन टेल मी, लेकिन राइट नाउ मेरे माइंड में ये 5 वर्ड्स ही आ रहे हैं जिनकी पॉसिबिलिटी मुमकिन है।
अगर ये इन फाइव वर्ड्स की पॉसिबिलिटी मुमकिन है तो हमने देखना है कि क्या ये फाइव वर्ड्स मेरे राइट लेफ्ट हैंड साइड से बन सकते हैं या नहीं बन सकते. सो वी विल सी दैट नाउ. ये ऑल पॉसिबल वर्ड्स हैं जो बन सकते हैं, इन सब में और है. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी और इसके ऊपर है मेरे पास स्टार, यानी ए और बी होल स्टारक. अब आप मुझे बताएं कि अगर इस ए और बी होल स्टारक पे मैं यहाँ लिख दूँ ए और बी और इसके ऊपर मैं लगा दूँ टू, तो क्या ये सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं या नहीं है? सिर्फ आप मुझे अब ये बताना है आपने मुझे कि ये सारे वर्ड्स अब पॉसिबल हैं या नहीं है. चलें अब आपने क्या ही बताना है, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बताते. हाँ कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, लेकिन अगर 150 की क्लास में से आपको सिर्फ 10 से 12 बच्चे आंसर कर रहे हों तो फिर टीचर यही कहती हैं कि आप लोग मुझे कुछ नहीं बताते. तो अब अगर आप इस ए प्लस बी के ऊपर टू को देखें तो आपको मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा करवाया हुआ है कि आप देखें इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है हमारे पास, कि हो सकता है मैं पहली दफ़ा ए लूँ और फिर उसके साथ ए ही ले लूँ, और फिर हो सकता है कि मैं ए लूँ और उसके साथ बी ले लूँ, फिर हो सकता है मैं पहली दफ़ा बी पिक करूँ और फिर उसके साथ ए करूँ, या फिर बी के साथ बी पिक कर लूँ. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मैं जब सबसे पहली दफ़ा उसको रन करूँ तो मैं, अच्छा सॉरी ये तो टू वाले केस में हो गया ना, लेकिन अब अगर हमारे पास एम्प्टी सेट वाला है तो इसी का हमारे पास एक ये भी तो हो सकता है. मैं अगर इसके ऊपर ज़ीरो लगा दूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट भी तो आएगा ना. तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑप्शन में जितने वर्ड्स उस लैंग्वेज में बन सकते हैं वो इसमें भी बन सकते हैं, मैं बना सकती हूँ. ये सारे वर्ड साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है. तो इधर भी पॉसिबिलिटी है, विच मीन्स कि ये लैंग्वेजेस जो के हैं वो इक्विवेलेंट हैं या रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है. तो अब आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं. और हाँ मैं वैसे आपको एक मशवरा दूंगी, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू, कि रादर देन समटाइम्स इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन लिखी होती है ना इन जगहों पे, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप समटाइम्स उसको करके देख लिया करें, जब आ जाए तो बस फिर ठीक है, उसके बाद डजंट मैटर कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ. उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, यहाँ पे आपके पास ये है सेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के सेट को कैसे डिफाइन करते हैं या उसके लिए रूल्स क्या हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी लेटर ऑफ अल्फाबेट कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इन इनटू अ बोल्ड फेस एंड दिस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, सो दिस इज एम्प्टी सेट. इफ रेगुलर एक्सप्रेशन वन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन टू आर रेगुलर एक्सप्रेशन, सो आर रेगुलर एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट रेगुलर एक्सप्रेशन वन इंटू आर टू आर वन और आर टू एंड आर वन स्टारक, नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. अच्छा ये बड़ी ही मज़े की बात है, यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं. आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट है, पहले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर वन की. अब रूल नंबर वन को अगर हम देखें तो रूल नंबर वन उन्होंने ये बताया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं रूल नंबर वन उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट था, ठीक है जी, और उस अल्फ़ाबेट में कोई भी टर्म्स लिखी हुई हैं. लेट्स से कि मैं उन टर्म्स को या उन सिंबल्स को ए और बी ही कहती हूँ. तो अगर मेरे पास एक ऐसा अल्फ़ाबेट है तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं, अब आप देखें एवरी लेटर कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट इन अ बोल्ड फेस, यानी इसमें जो भी लेटर है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है. ठीक है, कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, कि मेरे पास कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, मैं कुछ मेरे पास एक लैंग्वेज है लैंग्वेज नंबर वन, और वो क्या लैंग्वेज है जी, ए, ये मेरी लैंग्वेज है बस, और कुछ भी नहीं है, और इसको मैं अगर ज़रा सा बोल्ड करके लिख दूँ तो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये मेरी पूरी की पूरी लैंग्वेज भी है. यानी मैं ये भी कह रही हूँ कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है,
लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जिस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक ही लेटर लिखा हुआ है, वो कितनी सी बेचारी मेरी लैंग्वेज होगी, इस लैंग्वेज के कितने वर्ड्स होंगे, बस ए ही होगा। अच्छा, इसी ए पे अगर मैं स्टारिक लगा दूं, अब तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना। अब आप ये इस बात से एग्री करते हैं कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज वन इज इक्वल टू ए स्टारिक, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसमें टर्म जिस तरह आती जाएंगी, ए आएगा और फिर डबल ए आएगा और फिर ट्रिपल ए आएगा और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा और वो सब कुछ आ जाएगा। इसी तरह मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि मेरे पास एक लैंग्वेज है जनाब सिर्फ बी की, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास लैंग्वेज टू है और उसमें जी सिर्फ बी है। अब अगर मैं कहूँ कि सिर्फ बी है तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, मैंने बोल्ड करके बी लिख दिया, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस पर स्टारिक लगा देती हूँ तो भी ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट, एवरी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कैन बी मेड इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप खाली एक लेटर को रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाते हैं तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसे बोल्ड करके लिखें, तो बस ये एक रूल है। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि आपके पास ये एम्प्टी सेट भी जो है ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। यानी रेगुलर एक्सप्रेशन तो बेसिकली किसी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज है उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब उस लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एम्प्टी लैंग्वेज है। तो आप कह रहे हैं कि जी ये मेरे पास एक लैंग्वेज थ्री है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, करेक्ट हैं। अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर R1 और R2 कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हों तो हमारे पास ये बाकी नीचे वाली सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आपको एक बेसिक यूनिट बताया गया, एक बेसिक यूनिट ये बताया गया है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का, वो ये कह रहे हैं कि बेसिक यूनिट ये है कि आप किसी भी लेटर को, हर लेटर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं अब आर ई ही लिखूंगी, यानी कोई भी लेटर जो है अल्फ़ाबेट का वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर मैं ए लिखती हूँ तो ये मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वन, और अगर मैं बी लिखती हूँ तो इसको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू कह सकती हूँ, क्योंकि एवरी लेटर विच इज़ प्रेजेंट इन द अल्फ़ाबेट इज़ आ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हमने क्या दरियाफ्त कर लिया, दरियाफ्त नहीं कर लिया, या आप ये समझिए कि एक नई चीज़ हमने सीख ली या एक रूल इन्वेंट कर लिया या अंडरस्टैंड कर लिया कि जी हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन का। आपको पता है, आप कोई भी चीज़ समझते हैं ना तो उसका बड़ा एक बेसिक यूनिट होता है। तो जब आपको बेसिक यूनिट समझ आ जाए ना तो आप उसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, यानी उस यूनिट को जोड़ के आप कोई भी बड़ी चीज़ बना सकते हैं। तो हर चीज़ के बेसिक यूनिट्स हैं, ह्यूमंस हैं तो उनके बेसिक यूनिट्स हैं। सो एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू, एवरी थिंग अराउंड यू हैज़ अ काइंड ऑफ अ बेसिक यूनिट, और आप उन्हें चीज़ों को यूनिट्स में डिवाइड करके ही उन्हें समझते हैं, कभी भी आप एज अ होल नहीं समझ सकते। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को एज अ होल नहीं समझते, बल्कि आप उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, और चैप्टर्स में फिर पैराग्राफ्स और हेडिंग्स होती हैं। सो यू जस्ट गो टू द यूनिटी, लाइक यूनिट ऑफ दैट थिंग, एंड देन यू जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग योर नॉलेज बेस्ड ऑन दैट थिंग। सो आई थिंक दैट फिलोसफी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो लेट्स जम्प टू द रेगुलर एक्सप्रेशन बैक। अब यहाँ पे हमारे पास है कि जी अगर हमारे पास ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो हमने और क्या पढ़ा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम और क्या कर सकते हैं। अगर ये दो मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो वॉट एल्स इज पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल दैट आई राइट रेगुलर एक्सप्रेशन इन टू द ब्रैकेट, येस, बिकॉज आई कैन राइट डाउन ए इन टू द ब्रैकेट, बिकॉज मे बी आई एम राइटिंग समथिंग एल्स विद इट, लाइक बी लिखना है मैंने साथ, या इससे पहले बी लिखना है मैंने साथ, या इसके ऊपर स्टारिक लगाना है या स्टार लगाना है या कुछ भी करना है, वैसे ही लिखते रहें बगैर वजह के लिखते रहें, तब भी मैं लिख सकती हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं, चले अभी फिलहाल बस बी को रेज करें, और वो कह रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन वन हो तो उसके ऊपर मैं स्टारिक लगा सकती हूँ। तो जी बिल्कुल मैं लगा सकती हूँ, मैं ए के ऊपर स्टारिक लगा सकती हूँ, मैं बी के ऊपर स्टारिक लगा सकती हूँ, किसी भी के ऊपर स्टारिक लगा सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा, जी हम देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा जी हम दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके भी लिखवा सकते हैं। कैसे लिखवा सकते हैं जी, हम लिख सकते हैं आर वन और आर टू। अब मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब हम उन दोनों को एक साथ भी लिखवा सकते हैं। यानी मैं ए और बी लिख सकती हूँ, इसका मतलब मेरी लैंग्वेज में ए बी आएगा,
या फिर मैं इसे इसको आर टू और आर वन भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना जी हम। ये देखें ये फ़र्क से हैं दो तीन चार चीज़ें, ये कहीं इकट्ठी ना कर दें आप। तो अगर मैं इस तरह लिखूँ तो आएगा जी, सॉरी आएगा जी बी और ए आ जाएगा। अच्छा उसके बाद वो कह रहे हैं जी और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आर वन और आर टू। इसका क्या मतलब है कि मैंने लिखा ए और बी, सही हो गया। या फिर और क्या हो सकता है हमारे पास, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि आर टू प्लस आर वन। तो हमारे पास इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ बी और ए। अब इनकी और मज़ीद वेरिएशंस भी होती हैं जिन्हें आपने मज़ीद भी अपने माइंड में रखना है कि आपके पास ये वेरिएशंस होती किस वजह से हैं। ओह सॉरी, एक तो ये आपके जो पीडीएफ में ये करना पड़ता है ना, मुझे ड्रॉ के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये बड़ी हैक्टिक लगती है मुझे। आई रियली विश के मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रही होती और मैं बोर्ड पे ये चीज़ें समझा रही होती और ये सब चीज़ें बहुत आसान होती, इससे ज़्यादा आसान होती जितनी अभी हैं। अब इसकी मज़ीद वेरिएशंस क्या हो सकती हैं कि अगर ए ये बी है तो इसके ऊपर हो सकता है स्टार लगा हुआ हो, या इसके इर्द गिर्द कोई टर्म लिखी हुई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसी तरह आपके पास मतलब इनकी कुछ भी वेरिएशंस हो सकती हैं। ये जो है आपकी वेरिएशन लिखी हुई है, इसमें हो सकता है एक के ऊपर स्टारिक हो और दूसरे के ऊपर ना हो, या दूसरे के ऊपर हो और पहले के ऊपर ना हो। मतलब ये सारी चीज़ें हुआ जो आपने पीछे एग्जांपल्स में पढ़ी हैं, और अब वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि असल में इनको हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किया। हो सकता है इसके ऊपर टू लिखा हो, और हो सकता है इसके ऊपर ज़ीरो लिखा हो, और एनी थिंग इज़ पॉसिबल। और ये बी ए लिखा हुआ है तो इसके बाद भी बी लिखा हो सकता है, जिसका क्या मतलब है कि आर टू आर वन और फिर आर टू लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में। ये सिर्फ आपके पास रूल है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल है। तो आपके पास ये है रूल नंबर टू, और आपका जो पिछला था ये है आपका रूल नंबर वन, जो मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि रूल नंबर वन है, ठीक हो गया। और रूल नंबर थ्री है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब इसके अलावा क्या होना है, इसके अलावा मैंने कोई आपको कोई चीज़ बताई है कि मैंने आपको कहा होगी जी रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो डिवाइड भी हो सकते हैं, और वो उनका फैक्टोरियल भी आ सकता है, और वो उनके ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आप उनकी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं, बस अब आपके सारे रेगुलर एक्सप्रेशन इन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से जॉइन करके बनते हैं। That is something we call regular expression. So, अभी वाला लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और फिर हम अगला लेक्चर में मैं आपसे ज़रा प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूँगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और पेपर की डिस्कशन के लिए आप ऐसा करें कि मुझे बता दें, अगर आप कहते हैं तो मैं एक लाइव सेशन रख लेती हूँ यूट्यूब पे ही। सो दैट वुड बी ईजी, ईजी इज़ इन अ सेंस ये कि आई रियली पर्सनली फील लाइक कि जब मैं अगर गूगल मीट या गूगल उस पर मैं रखती हूँ चीज़ों को, तो वो आई जस्ट फील लाइक कि फिर वो वहाँ से मुझे दोबारा डाउनलोड करके और फिर से यूट्यूब पे अपलोड करना, आई जस्ट फील लाइक एक लंबा काम है। तो द सेम थिंग कैन बी डन ऑन यूट्यूब, सो वाई नॉट ऑन यूट्यूब। तो उसी पे हम कर लेते हैं, हम ज़रा एक ही चीज़ को मैं अपनी कंसिड्रेशन में रखना चाह रही हूँ कि मैं ज़रा एक ही चीज़ पर चलती रहूँ। तो फिर हम एक लाइव सेशन रख लेंगे जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन मैं ले लूँगी, और पेपर से रिलेटेड भी डिस्कशन आपकी मैं कर लूँगी। लेकिन फिर भी मैं आपको वर्बली ये बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देयर वुड बी नथिंग डिफरेंट इन द पेपर, सब कुछ वही होगा जिस तरह का मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि आपके क्वेश्चंस आएंगे। और सिलेबस मेरा, अभी आपने चैप्टर फोर कर लिया ना, तो चैप्टर फाइव भी आएगा जी आपके पेपर में, क्योंकि सिर्फ फोर तक तो इतना कुछ है नहीं है कि जिसमें मैं आपको असेस कर सकूं। तो फाइव भी आएगा पूरा चैप्टर आपका, और शायद हम सिक्स भी कर लें, लेकिन चलें हर फाइव तो लाजमी ही आएगा। यानी फर्स्ट फाइव चैप्टर्स तो आपके एग्जैक्टली आएंगे, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट जम्प टू अवर चैप्टर नंबर सिक्स। अभी आप देखें ना, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये पढ़ लिया सारा कुछ, हो तो प्रीसीवियस ये जी हमने पढ़ लिया, बैकग्राउंड लैंग्वेज, रिकर्सिव डेफिनेशन, और अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन हमने ख़त्म कर लिए। अब हमने पढ़ना फाइनाइट ऑटोमेटा,
और ये एक लंबा चैप्टर तो है ये, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक बड़ी नई चीज़ है। अब ये जब आप हर रोज़ जब मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ तो उसके ऊपर अजीब अजीब सी तस्वीरें बनी होती हैं ना, तो वो अब आप बनाना सीखेंगे कि असल में वो किस तरह बनी होती हैं और वो क्या चीज़ें हैं। जैसे आप अगर किसी भी पेज नंबर पर मैं यहाँ पर आपको मूव कराऊँ ना, तो आपको पता चले कि बेसिकली आपके पास पिक्चर्स किस तरह की होती हैं। सो वी विल जस्ट सी दैट दीज के हमारे पास असल में आएगा क्या, किस तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी। सो वो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले आपके लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो आपका आएगा, बाकी जो है वो भी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं इसके अलावा आपसे क्या करवाना चाहूँगी। एक मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि ज़रा आपकी तसल्ली हो जाए कि किस तरह की चीज़ें आपके पेपर में आने वाली हैं। स्टेट्स, ये इस तरह की ये चीज़ें आपके पेपर में आएंगी। नहीं, पेपर में तो आपके सब कुछ आएगा, लेकिन आपके अगले चैप्टर में इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो जी मुझे आपने फीडबैक दे दें और फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।